आईपीएल 2024 लखनऊ वर्सेस पंजाब का मुकाबला एकाना स्टेडियम में हो रहा था और वहाँ पर एक लड़का आता है गेंदबाजी करने और लखनऊ की टीम से खेल रहा है और 21 वर्षीय लड़का पतला सा और फास्ट बॉलिंग करने आया है। सबको लग रहा है कि हाँ अच्छा नाम सुना है, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन तेज़ गेंदबाजी कितनी तेज़ होगी, 130-135 गेंद डालते हैं भाई साहब, 140-145-150-152-153-154-155.8, जी हाँ 155.8 प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की मयंक यादव ने। और आईपीएल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसी चीज़ के लिए फिर से जाना गया एक बार कि यंग टैलेंट्स जो निकल कर आते हैं और जो प्लेटफॉर्म मिलता है उन्हें, और सबकी ज़बान पे एक ही नाम है मयंक यादव, क्या गेंदबाज है, क्या तेज़ गेंदबाज है, जो रफ्तार लेकर आए थे और जो एक्यूरेसी के साथ आए थे, स्टंप से गेंदबाजी करते जा रहे हैं और उसके बाद 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट निकाली, मैन ऑफ द मैच मैंने अपने डेब्यू मैच में ही, और सबसे पहली विकेट जॉनी बेस्टो, उसके बाद वहाँ पे प्रभ सिमरन सिंह को आउट किया, फिर जितेश शर्मा को आउट किया, यानी कि जो मेन रीढ़ की हड्डी है पंजाब की टीम की बैटिंग ऑर्डर की उन सभी प्लेयर्स को आउट किया और क्या खूब आउट किया है। एवरेज गेंदबाजी जो स्पीड की अगर हम बात करें तो उनकी 150 से कम थोड़ा सा 148-147 के आसपास उनकी एवरेज गेंद जा रही थी और जो स्लोअर थी वो 140 के आसपास स्लोअर थी। सोचिए जो रेगुलर 150 प्रति घंटे की स्पीड से डाल सकता है गेंदबाजी, वो गेंदबाज भारत में प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे। उमरान मलिक थे, उसके पहले जसप्रीत बुमराह भी 150 पे डालते थे और वरुण आरोन होते थे वो भी 150 पे डालते थे, ईशांत शर्मा जब शुरुआत में तब वो भी 150 पे डालते थे, लेकिन कितना कंसिस्टेंटली आप डाल सकते हो 150 पे और अच्छी लाइन लेंथ के साथ, वो एक सवाल होता है और उस सवालों का जवाब यहाँ पे मयंक यादव है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी है वो सबके जहन में ये चीज़ ज़रूर आ गई थी कि रॉ पेस तो अच्छी है लेकिन जो साथ में लाइन और लेंथ लेकर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर लाइन और लेंथ से भटके तो आपकी पेस का इस्तेमाल बल्लेबाज भी कर सकता है आपको हिट्स लगाने के लिए, और वो उमरान मलिक के साथ होता हुआ भी देखा है हमने, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और उसके बाद तो मानो सोशल मीडिया पूरा एकदम ऐसे लहर दौड़ पड़ी वहाँ पर इनके नाम की और सब लोग तारीफ करते थे 155.8 इस आईपीएल की सबसे तेज़ गेंद डाली है मयंक यादव ने, और उम्मीद यही लगाया जा रही है कि भाई पहले अभी तो 155.8 डाली है लेकिन आगे भी और बड़ी डालेंगे और तेज़ डालेंगे। लेकिन मयंक यादव है कौन, सबके दिमाग में होगा ना एकदम से कहाँ से आए हैं लाइमलाइट में आ गए हैं और 155.8 की स्पीड डाल दी, और सब लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ थे अब तक, तो मैं बताता हूँ कहाँ थे वो अब तक। दिल्ली से वो डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हैं और 2022 में उनको विजय यादव ने पहली बार देखा था जब उस टाइम पे वो मैनेजमेंट टीम में थे या सपोर्ट स्टाफ में थे LSG की, और 2022 का जो मेगा ऑक्शन था उससे थोड़े वक्त पहले ही विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने उनको देखा था और वहाँ से स्काउट करके उन्होंने कहा कि ये प्लेयर हमको चाहिए। पहले सीज़न में उनको जगह नहीं मिली और दूसरे सीज़न में जब आए तो उम्मीद थी कि शायद इस बार खेलने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर उनको इंजरी हो गई, उसके बाद वो वाला जो पूरा सीज़न था वो भी नहीं खेल पाए। इस साल जब आए तो अब लगा कि शायद से इस बार मौका जब मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा, ये प्लेयर करेगा, और किया भी, मतलब जो इम्पैक्ट डाला उन्होंने 155.8 प्रति घंटे की रफ्तार से जो गेंद डाली है वो छोटी बात नहीं है, वो भी भारतीय कोई गेंदबाज अगर डाल दे रहा है तो आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सराहना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। जनरली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं इंडिया में आप देखते हैं 130-135-140-145 डालते हैं, लेकिन अभी बहुत नए भी हैं मयंक यादव, और देखना होगा कि वो कितना ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि इंजरीज बहुत बड़ा कंसर्न रहता है फास्ट बॉलर्स के साथ, और उसके बाद हमने देखा है विद टाइम कहीं ना कहीं जो पेस है वो कम होने लग जाती है बिकॉज ऑफ इंजरीज, आपकी जो इंजरीज रहती है वो आपको थोड़ा गेम से दूर रखती है और कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है आपको। लेकिन जो तारीफों के पुल बन रहे हैं यहाँ पे मयंक यादव के लिए बहुत ही गजब है, ब्रेट ली हो, डेल स्टेन हो, डेल स्टेन तो एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा तारीफ की है, ब्रेट ली ने बहुत तारीफ की है, जो कि मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स है दुनिया के, लेजेंड्स हैं फास्ट बॉलिंग के, वो उनकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं कि यार ये कहाँ थे अब तक, क्या गेंदबाज है, और भारतीय कंडीशंस में अगर कोई इतनी अच्छी गेंदबाजी कर दे रहा है तो और क्या चाहिए आपको। तो और वो डेल स्टेन को खुद भी बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड उनको आइडलाइज करते हैं, तो डेल स्टेन ने भी उनकी तारीफ कर दी अब तो मयंक यादव की, तो देखना होगा कि आगे किस तरह से वो रहेंगे, किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे। एंड ऑल्सो जब उनसे मैन ऑफ द मैच के बाद बात की गई तो उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी जो पेस है उसको सही डायरेक्शन देना चाहता था, तो ये माइंडसेट दर्शाता है उनका कि वो लाइन और लेंथ पे कितना ज़्यादा सटीक रहना चाहते हैं विद हिज पेस। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने शुरुआत में सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन करके देखता हूँ, स्लोस डाल के देखता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मैं अपनी पेस के साथ स्टिक रहूँगा और उसके साथ ही विकेट्स निकालने की कोशिश करूँगा, लाइन और लेंथ एकदम सटीक रखूँगा और जो प्लान्स बनाए हैं उसके तहत ही एग्जीक्यूशन करूँगा, और यही देखने को मिला। और एंड ऑफ द डे हमने देखा कि मयंक यादव 4 ओवर में 27 रन देके 3 विकेट निकाले और मैन ऑफ द मैच ही बने और बहुत बड़ी भूमिका निभाई यहाँ पे लखनऊ की टीम को जितवाने में। अब आपको क्या लगता है कि मयंक यादव
क्या यहाँ पे इस आईपीएल सीजन के सबसे तेज गेंदबाज बन सकता है? क्या वो फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ आईपीएल सीजन में डाल सकते हैं? अभी तो डाल चुके हैं, क्या ये वैसी की वैसी रहेगी या फिर और बढ़ाएंगे? ये भी एक सवाल रहेगा। और अपना ही ओपिनियन आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर भी दे सकते हैं और साथ में कॉमेंट्स में भी दे सकते हैं। तो स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाकर स्टार्स प्रो पे आपके पास ये सवाल मिलेगा आपको, और वहाँ पे जाकर आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और रियल कैश भी जीत सकते हैं। और कॉमेंट्स में भी बताना आपको क्या लगता है कि और तेज जाएगी ये गेंद या फिर ये फास्टेस्ट डिलीवरी रहेगी इस सीजन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। Thank you.